तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल थ्राइव। माय नेम इज आकाश चौहान। आज ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है पहाड़ों के ऊपर। तो लास्ट टाइम मैं दिसंबर के वक्त मैं गुरुदोंगमार गया था एंड इट वाज लिटरली ब्यूटीफुल, इट वाज मैजिकल। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, 18,000 फीट ऑलमोस्ट एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई, उस ऊंचाई पे एक प्लेन जगह एक कदम रखना मुश्किल था। इतना टायर्डनेस होता है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, तभी आप वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं बता भी नहीं सकता कि वो फीलिंग कैसे होती है। वो ठंड में बॉडी कुछ फील नहीं होता, कुछ भी नहीं, सब नम पड़ जाता है लिटरली। मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लो वीडियो में दिखाने के, पर आपको फील नहीं होगा। तो मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जिसके मदद से आप उस जगह कैसे पहुंच सकते हो, मैं वो आपको बता सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय जर्नी टू हिमालयस। तो गाइस हम लोग की जर्नी शुरू होती है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से, जो हमें न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक ले जाती है। एनसीपी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहां से आपको टैक्सी डायरेक्ट गैंगटॉक के लिए शेयरिंग पे मिल जाती है, जिसका कॉस्ट अराउंड 300 पड़ता है। एनजीपी से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर की जर्नी के बाद आप सिक्किम के कैपिटल सिटी गैंगटॉक पहुंच जाते हैं। गैंगटॉक एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो अपने ब्यूटीफुल व्यूज के लिए फेमस है। गैंगटॉक से आप वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा को भी देख सकते हैं। गैंगटॉक डे वन, और भाई साहब सुबह उठते ही होटल से जो नज़ारा देखने मिला, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अपने आगे के जर्नी जो कि नॉर्थ सिक्किम है उसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। अब चलिए ये समझते हैं कि हमें नॉर्थ सिक्किम का टूर कैसे करना है। सिक्किम के चार डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें से नॉर्थ सिक्किम सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। नॉर्थ सिक्किम के टूर के लिए मॉल रूट पे आपको बहुत सारी टूर कंपनियां मिल जाएंगी जो आपको नॉर्थ सिक्किम की जर्नी कराएंगे, या फिर आप अपने होटल मैनेजर को कह के अपना टूर पैकेज भी बुक करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाजरा टैक्सी स्टैंड पहुंच जाते हैं, जहां से हमें नॉर्थ सिक्किम के लिए टैक्सी मिलेगी। हमारे नॉर्थ सिक्किम के जर्नी का फर्स्ट स्टॉपेज आता है लाचुंग, जो अराउंड 8 आवर्स की लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी के बाद एट द एंड ऑफ द डे हम लाचुंग पहुंच जाते हैं। लेकिन गाइस रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, इतने सुंदर व्यूज देखने अगर मिले तो सारी थकान दूर हो जाती है। लाचुंग में वन नाइट स्टे करने के बाद अगले ही सुबह हम लोग यमथंग वैली के लिए निकल पड़ते हैं। अगर आप अपने पैकेज में जीरो पॉइंट और काला पत्थर को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए 300 पर हेड एक्स्ट्रा पड़ेगा। ए गौरव, हेलो, हाय, बढ़िया, कहाँ का लग से? कोई आइडिया? फर्स्ट टाइम बरफ? ठंडा 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 लग से नहीं क्या? फोटो उठा पाए नहीं लो, जीवन उठा कोई सही सिलो। अच्छा, जीवन भाभी ऐसे लग से वैसे नहीं जा। YouTube पर वीडियो से लाभ नहीं निजा इलो। ओ अमर दीपा एबर पूरी सिले। यमथंग वैली और जीरो पॉइंट घूमने के बाद शाम तलक हम लोग लाचेन पहुंच जाते हैं।
लाचेन में वन नाइट स्टे करने के बाद अगले ही सुबह हम लोग गुरुदोंगमार और काला पत्थर के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा बर्फ, पूरा मजेदार बर्फ गिर रहा है, ताजा ताजा स्नोफॉल चारों तरफ होके रखा है। हम लोग एक काला पत्थर में अभी, इतना बढ़िया सीन। और यहाँ पे सबको स्नो फाइट चल रहा है सबका, वहाँ चलते हैं। चलो अभी हम लोग स्नो फाइट करके दिखाएंगे आपको कैसा होता है। काला पत्थर में स्नो फाइट का मजा लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं गुरुदोंगमार लेक के लिए, जो हमारे जर्नी का लास्ट डेस्टिनेशन है। क्या अभी वो सब ग्लेशियर है? That's all glacier.